पेनिस मसाज के लिए बहुत सारे ऑयल्स आते हैं और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात भी किया है कि इसका क्या बेनिफिट होता है, बट क्वेश्चन दोबारा से ये आता है कि बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं एक्स वाई जेड, ये कंपनी, फला कंपनी, छुपी हुई कंपनी, दिखती हुई कंपनी, बहुत ज़्यादा कंपनी, बट कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मसाज ऑयल में होनी ही होनी चाहिए, डिटेल में बात करूंगी। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। चैनल पर नए हैं और पेनिस के लिए कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, को लगता है मेरा इरेक्शन बेटर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा अंत तक देखेंगे। हम जब मार्केट में ऑयल बाय करते हैं तो हमें अपना केमिस्ट बता देता है कि ये वाला ले लो भाई साहब, इसके बहुत अच्छे हैं, या डॉक्टर नेहा ने बता दिया तो ले लिया। नहीं, ऑयल के इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज़्यादा अपने ध्यान देना है। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं कोई भी मसाज के लिए ऑयल यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर नेचुरल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके सेक्सुअल हॉर्मोन्स को प्लस आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, चाहे वो सफ़ेद मूसली की बात करूँ, करकहा की बात करूँ, आपके अश्वगंधा की बात करूँ, शतावर की बात करूँ, ये ऐसे हर्ब्स हैं जो कि लोग माने ना माने लेकिन सदियों से बेनिफिट करते हैं, और जो यूज़ करता है उसे समझ में आता है कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपने एक्सेसिव मास्टरबेशन किया, प्रोन किया, आपको लगता है नहीं हो रहा, तो ऑयल का इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। देन लेट्स टॉक अबाउट क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। नेचुरल आयुर्वेदिक, नो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ के देखना उसमें क्या है, जो बोले इसमें वाटर है, इसमें दिस एंड दैट, ये हाइड्रोसिक एसिड फला डिका, डोंट गो फॉर इट, गो फॉर दी आयुर्वेदिक ऑयल बजट में जो आपको सूट करे एंड उसकी क्या कंसिस्टेंसी है। ऑयल को हमेशा ड्रॉप लगा के देखें कि वो थिक है क्या, अगर वो थिक है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ रेकमेंड करती हूँ लिफ्ट अप ऑयल, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो देखो एक ड्रॉप में आ रहा है और ये बहुत थिक है, मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मेरा हाथ चिपक रहा है, जैसे आपका कोकोनट ऑयल होता है ना, तो उतना थिक होना चाहिए। अगर वो पानी जैसा ऑयल है तो प्लीज़ डोंट यूज़ इट, इट्स हैज़ आर्टिफिशियल इन्ग्रीडियंट्स। दूसरी चीज़ जो आपके ऑयल्स में होनी चाहिए वो है लौंग। लौंग आपके ऑयल में ज़रूर होना चाहिए अगर आप पेनिस मसाज के लिए ऑयल देख रहे हैं। कई मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जहाँ हकीम बता रहे हैं कि ऑयल कैसे यूज़ करना है और वो ऑयल में लौंग गरम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑयल में पहला इंग्रेडिएंट ऑयल होना चाहिए, जो कि लिफ्ट अप में सबसे ज़्यादा मेन है। लौंग जिस ऑयल में होगी, क्योंकि लौंग शुरू से ही पेनिस मसाज, एफ्रोडियासिक है, लिबिडो बढ़ाता है, प्री मेच्योर के इशूज के लिए, कहीं भी गूगल पे कहीं भी सर्च कर लीजिए, पहली चीज वो बोलेगा प्री मेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए लौंग के बेनिफिट्स बहुत हैं। तो लौंग के ऑयल की मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहला इंग्रेडिएंट लौंग होना चाहिए। फिर सफ़ेद म्यूसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू से, इवन सफ़ेद म्यूसली का लोग वाटर तक यूज़ करते हैं ताकि मसाज कर सकें या फिर उसको खाते हैं, तो सफ़ेद म्यूसली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा मिल जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अश्वगंधा खाओ पियो लगाओ, हर तरीके से अश्वगंधा के बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा उसमें एलोवेरा मिल जाता है, दैट इज़ ऑल्सो राइट, लेकिन जितना थिक होगा ऑयल उतना बेटर है, ऐसा नहीं कि जमे, लेकिन जितना थिक इट इज़ वेरी गुड। अश्वगंधा, सफ़ेद म्यूसली, लौंग, इन तीनों की डेफिनेशन अगर आपके ऑयल में नहीं है तो फिर आप फालतू के चक्रों में फंस रहे हो और वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट नहीं करने वाला है। दूसरा क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम वो गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बेनिस का ऑयल आप ठंडा भी लगा सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं, आपका मन है आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ठंडा भी लगा सकते हो। लिफ्ट अप ऑयल हैज़ मैसिव रिजल्ट्स, बहुत अच्छा ऑयल है, स्पेशली प्रीमेच्योर के लिए लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाय करो, मुझे बताओ हाउ यू लाइक इट। सो आई होप अब आप फालतू के चक्रों में नहीं पड़ने वाले और आपको समझ में आता है कि मुझे कौन सा ऑयल बाय करना है ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाऊँ। तो वीडियो जिसने डिटेल में देखी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें।